छतरपुर नगर के गल्ला मंडी क्षेत्र में नगर पालिका की टीम के द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के व्यापारियों की दुकानों के आगे निर्मित नालियों पर बने निर्माण को तोड़ा जा रहा है। नालियों से पानी के प्रवाह की व्यवस्था के लिए यह कार्यवाही उचित है, लेकिन इस कार्यवाही के पूर्व व्यापारी साथियों को भरोसे में लेकर भेदभाव रहित माहौल बनाया जाए। जो नालियों का निर्माण तोड़ा जा रहा है उसका मलबा जल्द से जल्द उठाकर वहां पर दोबारा निर्माण कराया जाए, ताकि बारिश के इस मौसम में व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो सके। वहीं विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं आगे की कार्यवाही के पहले नए निर्माण के लिए CMO को निर्देश किया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों का अहित हुआ तो इस मामले पर कार्यवाही के खिलाफ व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। चौक बाजार से गल्ला मंडी तक की दोनों तरफ की नालियों को, व्यापारी भाइयों की दुकानों के सामने की जो नाली हैं, प्रशासन के द्वारा इन पर तोड़फोड़ की गई है। व्यापारियों का आरोप है कि बिना सूचना के, पूर्व सूचना के ये निर्माण का जो यहाँ तोड़ना हुआ है, इससे व्यापारी वर्ग में काफ़ी रोष है। CMO से बुलाने पर, CMO से बात करने पर ये पता चला कि ये नाली निर्माण कराई जा रही है और ठेकेदार भी यहाँ चिन्हित हो चुका है, और बहुत जल्द, जैसा मुझे CMO ने आश्वस्त किया है कि 2 या 3 दिन के अंदर ये नाली निर्माण करा लिया जाएगा। CMO से साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा है मैंने कि जब तक गल्ला मंडी से चौक बाजार तक की नाली का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी क्षेत्र में कोई नाली के सामने, दुकानों के सामने का कोई भी निर्माण नाली से संबंधित ना तोड़ा जाए। जब यहाँ की नाली पूरी तरह से व्यवस्थित और तरीके से हो जाए, सब लोग संतुष्ट हों, तब शहर की किसी भी नाली पर हाथ लगाया जाए और उनको तोड़ा जाए। अन्यथा मैं, व्यापारी भाई जैसा हमारे कहेंगे, मैं व्यापारियों के साथ हूँ। जहाँ उनको, जहाँ मेरी जरूरत होगी, मैं उनके साथ लड़ने के, भिड़ने के लिए तैयार हूँ। छतरपुर से UD News के लिए शमशीर सिद्दीकी की रिपोर्ट।